subscribe to Science Channel and hit the bell icon, and then you can get the new videos related to science. Hey guys, my name is Ashutosh. Welcome to my show. आज हम बात करेंगे acceleration due to gravity होती क्या है? क्या होते हैं ये? ये है हमारी Earth, जिसका मासा कैपिटल M. हम बिल्डिंग पे खड़े हैं, जो कि Earth में कहीं ना कहीं बनी होगी जमीन पर, और हमारा मासा small M. हमने बिल्डिंग के छत में से जंप किया. हमने बिल्डिंग की छत पर से जंप किया. तो स्मॉल जी है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सिंबल है, स्मॉल जी. तो हमने जब जंप किया तो वेलोसिटी आएगी, स्पीड आएगी, एक्सेलरेशन आएगी. यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा है एक्सेलरेशन का. तो यहाँ पे जब हमने जंप किया तो एक्सेलरेशन आएगी, ग्रेविटी हमें खींचेगी नीचे की ओर, तो एक्सेलरेशन आएगी. अब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके कारण आ रही है? ग्रेविटी के कारण. तो इसका नाम पड़ा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन का आना. तो यहाँ पे ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आ रही है, ये तो हो गया इसका बेसिक. अब ये है अर्थ पे आपको पता है पोल होते हैं और इक्वेटर होता है. ये है इक्वेटर और ये है पोल. इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या कहें सिंपल ग्रेविटी, होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसका यूनिट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का. तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी वैल्यू है इक्वेटर पे. और पोल पे होती है 0.5% मोर. समझते हैं थोड़ी देर में. और इसके सेंटर में होती है अर्थ के जीरो. अब सिंपल सी बात यह है कि पोल्स में सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है, 0.5% मोर. मींस इक्वेटर में होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उससे 0.5% ज्यादा होती है पोल्स में. तो इक्वेटर में होती है उससे कम, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और जो सेंटर होता है अर्थ का, उस पर होती है जीरो. उस पर कोई ग्रेविटी लग रही होती है, वो न्यूट्रल होता है. तो ये तो हमने जान लिया कहां कहां क्या क्या ग्रेविटी होती है. अब इसको प्रूफ भी किया गया है. तो सबसे पहले हम इक्वेटर को प्रूफ करते हैं. इक्वेटर में सबसे पहले कौन सी वैल्यू, कौन सी फोर्स आएगी? हमने पढ़ा हुआ है दो ऑब्जेक्ट हैं m1 m2 मास के, तो m1 m2 पे फोर्स लगाएगा, m2 m1 पे फोर्स लगाएगा, सेम मैग्नीट्यूड के साथ बट अलग अलग डायरेक्शन होंगी, और इन दोनों के जो डिस्टेंस होगा वो r स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. हम अर्थ को खींचेंगे, अर्थ हमें खींचेगी सेम मैग्नीट्यूड से, बट डिफरेंट डायरेक्शन होगी. और अर्थ का मास ज्यादा है और हमारा मास कम है, तो हम अर्थ को नहीं खींच पाएंगे, अर्थ में खींचती है. ये हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में. तो F, तो यहां पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन कैपिटल R स्क्वायर. R हमारा डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस है तो किसकी? इक्वेटर की. ये हम इक्वेटर की वैल्यू निकाल रहे हैं. तो ये है हमारी अर्थ. अर्थ पे कहीं ना कहीं बिल्डिंग है, तो हम उसकी छत पे खड़े हैं. हमने जंप किया, हमें स्मॉल जी की ग्रेविटी खींच रही है. हमारा मास स्मॉल एम है, हमारा मास स्मॉल एम है. हमें हमने जब जंप किया तो हमें स्मॉल जी ग्रेविटी हमें धरती हमारी अपनी ओर खींच रही है, अपनी ओर एक्सेलरेट कर रही है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो जब हमें अपनी ओर खींचेगी, जब ये ग्रेविटी स्मॉल जी हमें अपनी ओर खींचेगा, तो
हमारे जी फोर्स होगी वो होगी एम जी इन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहां से हम स्मॉल जी निकाल सकते हैं एफ अपॉन एम, तो स्मॉल जी क्या आया एफ अपॉन एम। तो एफ हमारे पास है, एफ हमारे पास क्या है, एफ है हमारे पास स्मॉल जी, एफ है जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। अब स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा तो जी होएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये है हमारी इक्वेटर की वैल्यू, जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां से हम सिंपली बता सकते हैं जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, मास चाहे कोई भी हो ग्रेविटी सेम लगेगी। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा ग्रेविटी, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतनी कम ग्रेविटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अब हम वैल्यू तो दिखाते हैं आपको, कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए क्योंकि हमें इक्वेशन में दिया हुआ है। तो कैपिटल जी 6.674 × 10⁻¹¹ और साथ में इसके यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, पर किलोग्राम स्क्वायर। अब कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास कितना होता है 5.972 × 10⁻²⁴ किलोग्राम, क्योंकि मास है तो ऐसा यूनिट किलोग्राम। तो 5.972 × 10⁻²⁴ किलोग्राम, ये भी आ गया। अब इसका रेडियस कितना होता है 6378 किलोमीटर, इसका रेडियस है अर्थ का, अर्थ का रेडियस है 6378 किलोमीटर। अब हम इसको मीटर में निकालेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ ऊपर मीटर भी है तो आसानी रहती है ऐसा यूनिट को काटने में। तो इसको हम जब मीटर में निकालेंगे तो 6378 × 10⁻³ मीटर। अब इसको हम डेसिमल फॉर्म में निकाल लेते हैं, तो डेसिमल फॉर्म में निकालेंगे तो 6.378 × 10⁻⁶ मीटर, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमारा जी था जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारा कैपिटल जी है 6.674 × 10⁻¹¹ और हमारा एम है 5.972 × 10⁻²⁴ और जो डिवाइड में है उसका स्क्वायर 6.378 × 10⁻⁶ मीटर का होल स्क्वायर। और जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इक्वेटर के हिसाब से, ये हमारा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तब आएगा ये। आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर की मदद से या आप खुद भी कोशिश कर सकते हो। अब रही बात अब इक्वेटर की तो होगी, अब आई पोल की बात। तो जब पोल में हम निकालेंगे तो पोल में हमने हमें पता है 0.25% मोल होती है, तो 9.8 × 0.25% तो जिसकी मदद से हम पोल की निकाल सकते हैं ग्रेविटी। तो पोल की ग्रेविटी ज्यादा होगी क्योंकि इक्वेटर की ग्रेविटी से, और सेंटर में तो ग्रेविटी होती जीरो है। तो जरूरी नहीं होता है कि अर्थ पे हर जगह सेम ही ग्रेविटी होगी, पोल में लग होती है इक्वेटर में लग होती है, और अर्थ सर्कुलर नहीं होती है, अर्थ सर्कुलर नहीं होती है जिसके कारण अर्थ का रेडियस हर जगह सेम है, जिसके कारण हर जगह अर्थ पे सेम ग्रेविटी लग रही है। अर्थ का जो शेप होती है वो अंडाकार होती है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसके कारण आती है, ग्रेविटी के कारण, जो कि हम अर्थ में देखते हैं स्मॉल जी, और इसका सही यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर लेंथ और पर सेकंड स्क्वायर पर टाइम, मतलब टी एल टी स्क्वायर टी पर टू, मतलब एम जीरो एल टी माइनस टू, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाता है आसानी से फॉर्मूला की मदद से, तो आप निकाल सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा।